का जन्म समुद्र मंथन के दिन से माना जाता है। समुद्र मंथन से अप्सराओं की उत्पत्ति के पश्चात लक्ष्मी भी पैदा हुई। सुंदरता के कारण सुर और असुर सभी इनको चाहने लगे। इंद्र ने इनको रत्न जड़ित आसन दिया। नदियां सोने के घड़ों में इनके स्नान के लिए जल लाई और ऋषियों ने इनका विधि पूर्वक अभिषेक किया। गंधर्व वाद्य बजाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व और अप्सराओं के नृत्य को देखकर मेघ अपने गर्जन तर्जन के द्वारा उनकी संगत करने लगे। दिग्गज पूर्ण कलशों से उनका स्नान कराने लगे। सागर ने उन्हें पीले वस्त्र दिए, वरुण ने वैजयंती माला दी और विश्वकर्मा ने विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। इस प्रकार आभूषित लक्ष्मी जी ने स्वयं कमल की जयमाला लेकर हास्य पूर्वक विष्णु जी के गले में डाल दी। अप्सराओं ने मंगल गान किया और सभी देवताओं ने लक्ष्मी नारायण की स्तुति की। जब श्री कृष्ण ने योग माया का आश्रय लेकर रासलीला का आयोजन किया तो उस समय उनके वाम अंग से एक देवी का जन्म हुआ जो अत्यंत सुंदर थी। ईश्वर की इच्छा से उसी समय उसने दो रूप धारण किए। ये दोनों ही रूप राधिका और महालक्ष्मी के हैं। देवराज इंद्र के घर में स्वर्ग लक्ष्मी, पाताल में नाग लक्ष्मी, राजग्रहों में राजलक्ष्मी, अपने अंशावतारों के द्वारा सभी कुलवती स्त्रियों में गृह लक्ष्मी, कमलों में श्रीचंद और सूर्यमंडल में शोभा, आभूषण, रत्न, फल, राजा रानी, अन्य वस्त्र, शुभ स्थान, देवी देवताओं की प्रतिमा, मंगल कलश, मणि, मोती, माला, हीरा, दूध, चंदन, पेड़ की शाखाएं इत्यादि दिव्य पदार्थों में ये शोभा रूप विराजमान थी। सबसे पहले नारायण ने बैकुंठ में इनकी पूजा की, दूसरी बार ब्रह्मा ने, तीसरी बार शिव ने, चौथी बार सागर मंथन के समय पुनः विष्णु ने, फिर मनु और पाताल ने, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर आश्विन तक ब्रह्मा ने इनकी पूजा की थी। शेष देवताओं ने चैत्र शुक्ल और पौष शुक्ल अष्टमी के दिन इनकी पूजा की थी। इसके अतिरिक्त शरद ऋतु में दीपावली के दिन एवं पौष संक्रांति के दिन भी देवताओं ने इनकी पूजा की। जैन सर, इंद्र, मनु, केदार, नल, नील, सबल सर, आजो सर, उत्तान पाद, बलि सर, अभी नहीं नहीं अभी स्टार्ट ही किया मम्मी ने। कश्यप, दक्ष, प्रजापति, कर्दम, प्रियव्रत, चंद्र, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण सर्व सिद्धि प्रदायिनी महालक्ष्मी का उपर्युक्त मुख्य पर्व दिनों में पूजा करते हैं। मार्कंडेय पुराण में महालक्ष्मी की उपासना के लिए महारात्रि यानी दीपावली की रात्रि का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। दीपावली की कथा, एक बार शौनकादि ऋषियों ने सनत कुमार जी से पूछा, भगवान दीप मालिकोत्सव यानी दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व विशेषतः लक्ष्मी पूजन का है। तनु सुनाई दिखाई दे रहा है? तनु मुझे पोस्ट है, ये क्या है? तन्या तुमको दिखाई दे रहा है? जैन सर, क्या कर रहे हैं दिवाली पे? एक बार शौनकादि ऋषियों ने सनत कुमार जी से पूछा, भगवान दीप मालिकोत्सव के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व विशेषतः लक्ष्मी पूजन का है। ऋषियों की शंका को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे, हे ऋषि, जब दैत्यराज बलि ने अपने भुज बल से अनेक देवताओं को बंदी बना लिया तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण करके उसे बांध लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागार से मुक्त करा दिया। कारागार से मुक्त होकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं के भी पूजन और शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी अन्य देवताओं के साथ वही विश्राम करेगी। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए ऐसी शैया बिछानी चाहिए जिसको किसी प्राणी के लिए न प्रयोग किया गया हो। उस शैया पर सुंदर नवीन वस्त्र और चादर बिछाकर तकिया, रजाई आदि लगा दें।
तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी शैया पर बिछाए क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास कमल में होता है। हे ऋषि, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर देवताओं और भगवती लक्ष्मी के पूजन से वे स्थायी निवास करती हैं। भगवती लक्ष्मी के भोग के लिए गाय के दूध के खोए में मिश्री, लौंग, कपूर, इलायची आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर मोदक बनाना चाहिए। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, भगवान, जब राजा बलि ने लक्ष्मी जी और देवताओं को अपने वक्ष में कर लिया था तो फिर लक्ष्मी जी ने उसका त्याग कब किया? श्रेय, तुम चाहो तो कैंडल लगा दो, शुरू कर दो, देव जी। नहीं, उन लोगों को भी आधा घंटा लगेगा। सनत कुमार जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, एक बार देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा चुका। इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया, तभी उन्होंने देखा कि बलि गधे का रूप धारण करके एक खाली घर में समय व्यतीत कर रहे हैं। इंद्र वहां पहुंचे और बलि से उनकी बातचीत होने लगी। बलि ने इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल समय की महत्ता समझाई। उनमें बातचीत चली रही थी कि उसी समय दैत्यराज बलि के शरीर से अत्यंत दिव्य रूपी एक स्त्री निकली। उसे देख इंद्र ने पूछा, हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभा युक्त स्त्री देवी है अथवा आसुरी या मानवी? राजा बलि ने उत्तर दिया, हे राजन, यह देवी है न आसुरी और न ही मानवी। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो फिर इसी से पूछो। इतना सुनकर इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी तुम कौन हो और दैत्यराज का परित्याग कर मेरी ओर क्यों बढ़ रही? तब मुस्कुराती हुई शक्ति रूपा बोली, स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे न तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और न उनके पुत्र या बलि। शास्त्रवेत्ता मुझे दुस्साह, भूति और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु तुम तथा अन्य देवगण मुझे भली प्रकार नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया, हे देवी, जब इतने दीर्घ काल तक आपने दैत्यराज में निवास किया तो फिर अब इनमें ऐसा कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जो आप इनका परित्याग कर रही हैं? आप यह भी बताने की कृपा कीजिए कि आपने मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा है जो मेरी ओर अग्रसर हो रही। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास कर रही हूँ वहाँ से मुझे विधाता नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती हूँ। इसलिए तुम बलि का अनादर न करते हुए इनका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, हे देवी, कृपा कर यह बताइए कि आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी जी बोली, मैं उसी स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रमा तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे परामुख हो गए हैं। पूर्व जन्म में यह सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब यह ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे, जूठे हाथों घृत छूते हैं और अभक्ष्य भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जागते थे और यथा समय सोते थे, परंतु अब यह देर से जागते तथा आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में यह दिन में शयन नहीं करते थे, दीन दुखियों, अनाथों, वृद्ध, रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे और उनके अन्न आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। पहले ये गुरुजन के आज्ञाकारी थे तथा सभी काम समय पर करते थे, उत्तम भोजन बनाकर अकेले नहीं खाते थे पर पहले दूसरों को देकर स्वयं ग्रहण करते थे। प्राणी मात्र को समान समझते हुए उनमें सौहार्द, उत्साह, निरहंकार, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप एवं वाणी में सरलता आदि सभी गुण इनमें विद्यमान थे। मित्रों से प्रेम व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा बढ़ गई है। आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता, विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई। अब इनकी सभी बातें नियम विरुद्ध होने लगी हैं। बड़े गुणों का सम्मान और आज्ञा पालन न कर उनका अनादर करते हैं। गुरुजन के आने पर आसन नहीं छोड़ते, संतान का शास्त्रोक्त विधि से भली प्रकार पालन पोषण नहीं करते। इन सब कारणों से इनके शरीर और चेहरे की कांति क्षीण हो रही है। पर स्त्री गमन, पर स्त्री हरण, जुआ, शराब, चोरी आदि दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। इसलिए हे देवराज इंद्र, मैंने निश्चय किया है कि मैं अब इनके घर में निवास नहीं करूंगी। इसी कारण मैं दैत्यों का त्याग कर तुम्हारी ओर आ रही हूं। जो भी व्यक्ति लक्ष्मी जी को पाना चाहता है उसको अनुकूल आचरण करना चाहिए।
लक्ष्मी जी की आरती। लक्ष्मी जी की आरती करना है ना? लक्ष्मी जी की जय, गणेश जी की जय।